A very good afternoon to all my dear students of HS second year. Once again, welcome to online classes of logic and philosophy. We have already started with chapter 5, that is realism. मैंने मेरे previous दो videos में आप लोगों को समझाया है the introduction to realism and what is naive realism. ठीक है, इस video में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइव रियलिज्म. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट ये है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर्स माइंड. एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विथ ऑल इट्स क्वालिटीज विथ और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑन इट बाय द नोअर. सो व्हाट डज इट मीन, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइव रियलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड बाय देमसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस. ओके, इट डज नॉट मैटर वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और वी डज नॉट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मैटर, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को. जैसे हम में से बहुत से लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है अभी तक, राइट? हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ताजमहल एग्जिस्ट नहीं करता है. जस्ट बिकॉज हम लोगों के नॉलेज में ताजमहल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ताजमहल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, ताजमहल अपने जगह में है, इट इज रियल एंड इट इज प्रेजेंट देयर एग्जिस्टिंग. ओके, ताजमहल एग्जिस्ट करता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके एग्जिस्टेंस में कि हम लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में, हम लोगों ने देखा है ताजमहल को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इस दुनिया के जो चीजें हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कीप ऑन एग्जिस्टिंग, अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग उसके बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं. अगर हम लोग नहीं भी जानते हैं तो भी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जिस्टिंग. ठीक है, इसका मतलब ये है, द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट माइंड डिपेंडेंट, हमारे माइंड पर ऑब्जेक्ट्स का एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है. ओके, क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड पॉइंट, देयर इज एन एक्सटर्नल वर्ल्ड आउटसाइड आवर माइंड. सो अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म, हमारे माइंड के बाहर भी एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है. ये जो वर्ल्ड है ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली हमारे माइंड के बाहर. हम लोग इसको देखें चाहे ना देखें, हम लोग इसके बारे में जाने चाहे ना जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. द वर्ल्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम आवर माइंड इंडिपेंडेंटली. ओके, द वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड. ये वर्ल्ड हमारे माइंड के डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड. नाउ नेक्स्ट नंबर 3, वी ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय परसेप्शन. दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज दैट व्हाट इज अपीयर टू बी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म, हम लोग इस वर्ल्ड के बारे में कैसे जानते हैं? हम लोग इस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं थ्रू परसेप्शन. परसेप्शन मतलब देखकर जानते हैं, अपने आंखों से देखकर. ओके, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन. और कोई रास्ता है जानने का? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड? व्हाट इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स ह्यूमन बॉडी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड? इट इज आवर आईज. थ्रू आवर आईज वी आर कनेक्टिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, सो परसेप्शन इज द ओनली सोर्स थ्रू विच वी सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड. नाउ ये जो परसेप्शन है ये सबका सेम नहीं होता है, राइट? एक ही चीज को हम लोग सारे डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बिकॉज वी आर ओनली ऑब्जर्विंग द फोटोकॉपीज ऑफ द थिंग एंड नॉट द ओरिजिनल थिंग. और यही कारण है एक ही चीज के बारे में हम सबका व्यू पॉइंट अलग होता है, क्योंकि हम लोग चीजों को अलग तरह तरीके से अपने व्यू पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, परसीव करते हैं.
इसीलिए हमारा व्यू पॉइंट भी उस चीज के बारे में अलग अलग होता है. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म द ओरिजिनल थिंग्स आर देयर बट व्हेन वी परसीव देम अकॉर्डिंग टू आवर व्यू पॉइंट. वी परसीव ओनली द फोटोकॉपीज ऑफ द थिंग एंड नॉट द ओरिजिनल थिंग एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर व्यू पॉइंट्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट. द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट. द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ देम. द डाइवर्स क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल, एक्सटेंशन, लेंथ एसेट्रा ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नोवर्स माइंड. ओके, नाउ व्हाट इज दिस फोर्थ पॉइंट और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. द नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था दैट अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड ऑफ क्वालिटीज. ठीक है, क्वालिटीज से बना हुआ है. आप लोग खुद ही सोचिए, अगर हम लोग किसी भी चीज को डिस्क्राइब करें या फिर किसी भी चीज को डिफाइन करें, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करें, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम लोग उसके क्वालिटीज के बारे में ही तो बोलते हैं, राइट? सो अगर किसी चीज से हम लोग सारे क्वालिटीज निकाल दें तो फिर उसमें कुछ बचता है क्या? कुछ भी नहीं बचता है. सो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड ऑफ क्वालिटीज लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल, एक्सटेंशन, लेंथ. ये सब क्वालिटीज है विद द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मेड. एंड व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? सो द फोर्थ पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड ऑफ क्वालिटीज एंड व्हेन वी परसीव ओनली द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लियर? वेरी सिंपल. एंड द फिफ्थ वन इज नाइव रियलिज्म सपोर्ट्स द कोरेस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ. दैट इज ट्रूथ कोरेस्पोंड टू दिस थ्योरी. ट्रूथ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंसिस्ट इन द डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस बिटवीन नॉलेज एंड द रियलिटी. नाउ द फिफ्थ पॉइंट और द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नाइव रियलिज्म सपोर्ट करता है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ को. नाउ व्हाट इज दिस कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब है सच वही है जो मटेरियल थिंग के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता हो या फिर मैच करता हो, उसी को हम लोग सच मानते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, suppose I have an idea of a rose. Okay, my idea of rose is that a rose is a beautiful fragrant flower. ये मेरा आइडिया है रोज का कि एक रोज एक बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फूल है. ठीक है, तो फिर मेरा आइडिया रोज का मैच कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विद द रियल रोज. येस और नो? तो फिर ये सच है, राइट? दैट रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, सच है ना? बट अगर मेरा आइडिया कुछ और ही हो अबाउट रोज, इफ आई से दैट नो द रोज इज अ स्वीट डिलीशियस केक, अगर मैं ऐसी कहूँ तो इज इट मैचिंग, इज इट कॉरेस्पॉन्डिंग विथ वॉट रोज एग्जैक्टली इज इन द प्रैक्टिकल लाइफ? नो, इट इज नॉट मैचिंग. दैट मीन्स इट इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज फॉल्स. अंडरस्टैंड? सो वट इज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ का मतलब है अगर हमारा आइडिया जो है किसी भी चीज के बारे में इस वर्ल्ड में, अगर उसके साथ वो मैच कर रहा हो देन इट इज ट्रू, एंड इफ इट डज नॉट मैच देन इट इज फॉल्स. तो ये जो नाइव रियलिज्म है ये सपोर्ट करता है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ को कि इस दुनिया में सारे चीजें सच है और ये सच्चाई अगर हमारे आइडियाज के साथ, हमारे आइडियाज जो है वो सच्चाई के साथ मैच कर रहा है देन इट इज ट्रू. ठीक है, क्लियर? वेरी सिंपल फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइव रियलिज्म. फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूं मैं. फर्स्ट पॉइंट, ये जो वर्ल्ड है एक्सटर्नल वर्ल्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नोवर्स माइंड. मतलब हम लोग
इस वर्ल्ड के बारे में जाने ना जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, द वर्ल्ड विल स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. दूसरा पॉइंट, द वर्ल्ड हैज देर इज एन एक्सटर्नल वर्ल्ड आउटसाइड आवर माइंड. हमारे माइंड के बाहर एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है जो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तीसरा पॉइंट, टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय परसेप्शन. नाइव रियलिज्म कहता है इस जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो हमारे माइंड के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग सिर्फ परसेप्शन के थ्रू जान सकते हैं, देखकर जान सकते हैं थ्रू परसेप्शन. ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज द वर्ल्ड आउटसाइड अस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड अस आर कंपोज्ड ऑफ क्वालिटीज. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आर मेड ऑफ क्वालिटीज. और हम लोग जब भी परसीव करते हैं, हम लोग परसीव करते हैं क्वालिटीज. ठीक है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज नाइव रियलिज्म सपोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ. कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ मतलब सच वही है जो हमारे आइडियाज और एक्सटर्नल मटेरियल थिंग के साथ मैचिंग हो. अगर मैच हुआ तो सच, अगर मैच या फिर कॉरेस्पॉन्ड नहीं हुआ तो रॉन्ग या फिर फॉल्स. ओके, आई होप द कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर. सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, पूछे कि मैम ये समझ में नहीं आया, वो पॉइंट समझ में नहीं आया. प्लीज पूछे ताकि मुझे भी पता चले इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, देन आई विल मेक इट क्लियर अगेन. ओके, हैव ए नाइस डे.